got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Hey guys, once again welcome back to my channel Wing Engineer. तो guys, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं आया हुआ हूँ एच ब्लॉक में. एक मेरा दोस्त है, उसके रूम में हूँ और ये सिंगल सीटर रूम है. तो अभी मैं आप लोगों को ये रूम भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ कि आज जो है यहाँ पे जितने भी फोर्थ ईयर थर्ड ईयर वालों का ये ब्लॉक था, उसमें सारे में फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया गया है. अब किसके द्वारा किया गया है ये तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है. अभी पूछेंगे नीचे चल के, बच्चों से पूछेंगे बाहर में कि क्या है और कैसा सीन है. मुझे तो थोड़ा गुब्बारा वगैरह देखने को मिला आते वक्त, लेकिन अभी पूरा चलेंगे. गाइज अभी आ गए हैं हॉस्टल के बाहर, मतलब मेस जो है जी और एच ब्लॉक का जो मेस है उसके बाहर है. तो आप जैसा कि डेकोरेशन वगैरह देख ही सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे वार्डन सर हैं. तो अभी इनसे कुछ बात करेंगे कि अभी जो बच्चे जा रहे हैं, मतलब फेयरवेल है आज, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब वेराइटी खाने की जो है वो व्यवस्था कराई गई है. तो सर बताए क्या सब व्यवस्था. व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, बच्चों को बहुत पसंद आई है. इवनिंग में हमने बच्चों को गोलगप्पे और अपना सैंडविच चाय स्नैक्स वगैरह दिया है. अभी शाम में हमने अपना पनीर पसंदा बनवाया है बच्चों के लिए, भरवा भिंडी है और अपना तड़का दाल है, पापड़ है, सलाद है कई टाइप्स की. बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों से फीडबैक्स भी ली गई है, बहुत अच्छा लग रहा है. बट लेकिन हम इसके बाद बच्चों को बहुत मिस करेंगे. तो सर ने बता दिया, और एक मिठाई भी है सर, बताया. हाँ, मिठाई भी है, बच्चों को खुल के जितनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है उतनी पियेंगे. और एक मिठाई है हमारी मलाई चाप, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है हमारे बच्चों को, वो हमने आज मंगाई है. तो सर एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे जो जितने भी बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, वो तो इन लोगों को भी जो फेयरवेल जिनको हम लोग देने जा रहे हैं वो लोग भी चले जाएंगे, तो उनका मतलब आपके साथ कैसा कनेक्शन रहा इंटायर ऑफ द 3 साल वो यहाँ पे बिता चुके हैं आपके. उनके साथ हमारा एक बार ऐसा ये परिवार के तरह का ऐसा है हमारा रिलेशन, एक फैमिली की तरह रहे ये बच्चे हमारे साथ में, बहुत अच्छा लगा है हमें.
तो वेल गाइज, ये जो हमारे भैया लोग हैं, मतलब कि भाई लोग हैं, ये अब यहाँ से जाने वाले हैं। इन्हीं लोगों को ये फेयरवेल दिया जा रहा है, तो अभी इनसे बात करते हैं कि रेगुलर जो खाना मिलता था उसमें और आज में इनको क्या डिफरेंस देखने को मिला है। तो भैया, तो रेगुलर खाने में तो आपको जैसे पता ही है, ये हॉस्टल के मेस में कैसा ही खाना मिलता है, बट आज के खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी हमारे राजू सर ने फेयरवेल हमें दिया है। और आपने खाना खाया? चलिए ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा और जाते जाते हमें बहुत अच्छा खाना खाने को मिला और मतलब कि हमें ऐसा फील हुआ कि हाँ कुछ स्पेशल किया गया हमारे फ्लाइट के भी कॉलेज ने किया हमारे लिए। अच्छा लगा। चलिए, तो ये सही रहता है क्योंकि कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, अगर लास्ट में और सब दिन कैसा खाना देता मैटर नहीं करता है, जब लास्ट टाइम जाते वक्त अच्छा खाना दे रहा है तो वाकई दिल से अच्छा लगता है। तो एक और हमारे भाई साहब है सामने, तो आप बताइए क्या कैसा लगा खाना आज का? बहुत स्वादिष्ट है, इनफैक्ट सारे वीक्स के डेज में से ये सबसे ज़्यादा टेस्टी है। काफ़ी अच्छा फेयरवेल मिल रहा है, थैंक यू JNMC के हॉस्टल बॉर्डर्स। तो ये भैया हैं, तो इनसे भी पूछते हैं आपको कैसा लगा आज का खाना? आज का खाना यार मतलब कि जश्न हो गया, आज तो यार मज़ा आ गई, इतना बढ़िया आज से पहले कभी नहीं था, वरना ऐसे नॉर्मल रहता था। और आज आखिरी दिन तक काफ़ी सारी ब्रांचेस का, तो एक अच्छा फेयरवेल हो गया सबका, बढ़िया रहा और यही सब याद करेंगे बाद में। और काफ़ी मज़ा आई यार आज का, मतलब खाना काफ़ी एकदम जायकेदार और बढ़िया था आज, तो मज़ा आ गई खाने का, लुत्फ उठाइए आप भी। तो अभी आप बताइए। वैसे मैच में तो आज बहुत काफ़ी अच्छा खाना मिल रहा है बाकी दिनों से। आप लोगों का कहने का ये मतलब है कि ऐसा ही खाना रोज मिले तो मजा आ जाए? अरे बिल्कुल, रोज नहीं कम से कम, लेकिन हफ्ते में दो बार कम से कम मिले, बाकी दिन तो मतलब कि चलो नहीं रोज नहीं हो पाता, लेकिन हफ्ते में दो दिन ऐसा मिले तो सही रहेगा। आप बताएं भाई साहब, आपको आज का खाना में और सबके दिन के खाना में कैसा लगा? देखो सबने यही बोला होगा आज का जो अच्छा है, बाकी जो हमने ये पूरे सेमेस्टर मरवाई है सबको पता है कि कितना गंदा खाना मिलता था। रोटियां जो हमारी कच्ची कच्ची मिलती थी, सुबह का पराठा ऐसे ही मिलता था, बस ऐसे ही आज बस मिल रहा है, चैन से खा लो। आज के खाना से आप सेटिस्फाइड हैं? मतलब आज के खाना से आप सेटिस्फाइड हैं? लगभग मान लो, थोड़ा इन्हें माफ़ किया मैंने, वरना सोचा था एक दो को लेके जाऊंगा मार के, थोड़ा पी भी लगा ही लूँ आजकल। तो वेल गाइज, अभी बात करेंगे आपसे जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इतना अच्छा आपने व्यूज़ देखा बच्चों का, तो अभी इनसे बात करेंगे। तो सर से पूछते हैं कि सर, अभी जो भी फेयरवेल ऑर्गेनाइज़ किया गया था, यहाँ पे बच्चों ने बहुत मतलब अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं कि जाते वक्त अच्छा लगा, रेगुलर खाने पे गुस्सा आ रही थी, लेकिन आज का खाने के बाद जो है बच्चों का मन खुश हो गया, तो आप इसके बारे में? नहीं, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, और यहाँ GRH ब्लॉक हॉस्टल जो कि हमारा स्पेशली थर्ड ईयर वाले बच्चों का हॉस्टल है, और ये फेयरवेल पार्टी बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए ये आइडिया गौरव सर के दिमाग में सबसे पहले आया था। गौरव सर, किशोर सर और हमारे राजीव जी असिस्टेंट वार्डन और ओम प्रकाश जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और पूरा क्रेडिट इन लोगों पूरी टीम को जा रहा है, और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, और मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम बच्चे एक अच्छी याद यहाँ से लेके जाएं। हम लोग का जो प्रयास रहता है कि हमेशा बच्चे जब भी याद करें तो हॉस्टल लाइफ को हमेशा उसको ध्यान रखें, याद करें उसको, अच्छी यादें हों उनके पास, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मुझे भी बहुत ही अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू। अब बात करते हैं गौरव सर से। मैं तो पहले अमित को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अमित समय निकाल के यहाँ पर आए और पूरा ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं उनको कैप्चर किया है, और ये जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है इसमें राजीव सर, किशोर सर, ओम प्रकाश सर और हमारे अंबुज सर के मार्गदर्शन से हुआ है। मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा, जो मेस की टीम है, जो मैनेजर है और जो बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम का सफल आयोजन किया है,
सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और खासकर मैं अमित का बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो समय निकाल कर हमारे बीच आएँ और एक जो पूरी यादें हैं उनको कैप्चर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किशोर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये फेयरवेल पार्टी बहुत अच्छी रही। मकसद ये था कि स्टूडेंट अपनी हॉस्टल की लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, और ये अब जाने का वक्त आ गया है। तो मकसद ये था कि एक इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाए जहां बच्चों को रियलाइज़ हो कि उन्होंने इस हॉस्टल लाइफ में क्या जिया, कैसे रहे, और अब ये छूटने वाला है। तो बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से खा रहे हैं, और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे हॉस्टल स्टाफ को, आप प्रोफेसर अम्बुज सर, प्रोफेसर गौरव, मिस्टर ओपी शर्मा सर, टीचिंग वार्डन राजीव सर, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, प्लानिंग बहुत अच्छी की, और बच्चे वाकई बहुत खुश हैं, और बिल्कुल दिख रहा है ये आपने बात की। अमित, आपको भी बधाई, इतनी गर्मी में आप इतने अच्छे से ये इवेंट पूरा कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट बेटा। मैं इनसे ज़रूर मिलवाना चाहूँगा, ये हमारे जितेंद्र जी हैं जो पूरा खाने का इंतज़ाम देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और किसी भी चीज़ की कोई भी कमी हो तुरंत बिल्कुल इनके गाइडेंस में, इनके सपोर्ट से सब हो रहा है। तो दे आर टेरिफिक मैन। हॉस्टल में खाना कैसे मैनेज करना है, दे आर द परफेक्ट गाइज। जी और एच का बिल्कुल बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं।